देखो शास्त्र ये कहते हैं कि कोई भी कर्म कोई भी धर्म कार्य करो ना तो नियम से करो, मनगढ़ंत नहीं करना चाहिए। अपने मन से यदि कोई आप अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उसके दोष के भी जिम्मेदार आप ही होंगे। शास्त्र में जो विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार ही यज्ञ व्रत जप तप शास्त्र की विधि से करो। या शास्त्र क्या है, अब जैसे कभी कभी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हो ना, कोई भी मशीन, तो साथ में एक बुकलेट होती है उसके, उस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वो बुकलेट भी दी गई होती है साथ में। तो ये जो शास्त्र हैं, जब भगवान ने धरती पर मनुष्य को बनाया ना, तो भगवान ने साथ में वेद और शास्त्र भी दिए कि मनुष्य जीवन को कैसे ऑपरेट करना है। ये सारी नियमावली इन ग्रंथों में रखी गई, जीवन कैसे जीना है भगवान ने बुकलेट भी दिए हैं, इसलिए शास्त्र को पढ़ो। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन के कर्तव्य कर्म क्या हैं, वो सब शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्र के बगैर हमको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से नारद जी ने उनको ज्ञानोपदेश दिया और धीरे धीरे समय बीता और अन्य राजाओं का वर्णन करते हुए चतुर्थ स्कंद को भी सुखदेव जी ने यहां विराम किया और साथ में विदुर और मैत्रेय का भी संवाद यहां पूरा होता है। अब श्रीमद् भागवत का पांचवां स्कंद, अभी पांचवां शुरू हो रहा है और 5 बजे तक कन्हैया को भी आना है। आज कृष्ण का प्रागट्य है इसलिए बहुत सारे मेहमान दूर दूर से भी यहां पधारे हैं। आज बड़ोदरा से हमारे मनीष भाई पटेल और हितेन भाई पटेल, जो वहां स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, यही ना हमारे हितेन भाई, एक बार जोरदार तालियों से आप लोगों का भी अभिनंदन। मनीषा बहन पटेल, ये सब सरप्राइज दिए मुझे यहाँ अचानक पधार कर। सुबह से कोई सूचना नहीं थी लेकिन अचानक यहाँ पधारे हैं। तो फतेहपुरा की धरती पर आप लोगों का अभिनंदन स्वागत। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सब जगह से दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश से भी, और बजरंग लाल जी का परिवार भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। दूर दूर से बहुत सारी जगहों से श्रोता यहां पधारे हैं। तो आज बहुत विलंब भी नहीं करना है, जल्दी से कन्हैया का प्रागट्य करना है ताकि कन्हैया जल्दी आए, सब लोगों को आनंद मिल पाए। इसलिए कुछ कथाओं को संक्षेप में करते हैं। पांचवां स्कंद शुरू होता है, इसमें मनु महाराज के दूसरे बेटे की चर्चा है, प्रियव्रत की। ये प्रियव्रत पहले शादी नहीं करना चाहते थे, बहुत डरते थे कि कहीं शादी करूंगा संसार में फंसूंगा तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तब एक दिन ब्रह्मा जी पधारे और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया, कहा देखो पुत्र, संसार में पत्नी किसी को नहीं बांधती है, पुत्र पुत्री किसी को नहीं बांधते हैं। आदमी बंधता है अपने आसक्ति के कारण। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये हमारा मन है ना, यही बंधन और मुक्ति का कारण है। संसार में कोई और किसी को नहीं बांधता है। एक भाई ने मुझे आकर कहा कि बापू मैं बहुत फंसा हुआ हूं संसार में, ऐसा आशीर्वाद दो कि सबसे मुक्त हो जाऊं। तो मैंने कहा तुझे फंसाया है किसने, बांधा है किसने तुझे, जब ये बात स्पष्ट हो जाए तब मेरे पास आना। और आज तक वो आदमी लौट कर आया ही नहीं, क्योंकि उसको किसी ने फंसाया ना, वो खुद ही फंसा। हम अपनी आसक्ति के कारण बंधे, हमें और कोई नहीं बांधा। आदमी खुद अपनी आसक्ति के कारण बंधता है और दूसरों पर दोष लगाता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हाँ, कभी भगवान पर दोष लगाता, अरे भगवान ने फंसा रखा है महाराज, क्या करूं, भगवान ने थोड़ी फंसाया। कभी समय पर दोष लगाता है, जबकि अपने बंधन के कारण हम खुद ही हैं।
अनासक्त भाव से गृहस्थ जीवन में भी रहना ये कोई बुरा नहीं है। यदि अनासक्त भाव से गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान का भजन भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं, तब भी साधक कुछ न भी करे ना, तब भी मुक्त हो सकता है, अनासक्त भाव से रहे तो। पैसे भी यदि हम कमा रहे हैं ना, धन कमा रहे हैं, तो उस धन में आसक्ति ना हो। सुंदरकांड में बड़ा प्यारा संकेत आता है, जब हनुमान जी छलांग लगाए समुद्र के ऊपर, जिमी अमोघ रघुपति कर सोने का पर्वत आया हनुमान जी को विश्राम देने के लिए, तो हनुमान जी ने उसको ठुकराया नहीं, क्योंकि लक्ष्मी आए तो ठुकराना भी नहीं चाहिए, लेकिन हनुमान जी उस पर रुके भी नहीं। हम लोगों के लिए एक बड़ा प्यारा संकेत है, हनुमान ते ही पर सा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां बिसरा। हनुमान जी ने स्पर्श किया, छुआ और कहा, प्रभु मैंने आपको स्पर्श कर लिया, मतलब स्वीकार लिया, लेकिन मैं आप पर ठहर नहीं सकता हूं, क्योंकि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां बिसरा। हनुमान जी ने न तो अपमान किया, न ही उसको पकड़ करके चिपक के बैठ गए। धन कमाते हो अच्छी बात है, कमाना चाहिए, लेकिन धन में आसक्ति ठीक नहीं, धन पे चिपक के बैठ न जाओ, धन से धर्म करो, परहित करो, अच्छे कार्य करो। कई लोग धन एकत्र करके इतने कंजूस हो जाते हैं, खिलाना तो छोड़ो, खुद खाते भी नहीं। एक आदमी पुराने जमाने की बात, जब वो घर में दीपक जलते थे, लाइट नहीं होती थी, तो सुबह सुबह एक आदमी 5 बजे अपने घर से निकला, उसको दूसरे गांव जाना होगा, तो करीब 3 किलोमीटर चला और तब याद आया कि वो घर का दीपक बुझाना तो मैं भूल गया, तो वापस लौट कर आया वो दीपक बुझाने के लिए। तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी आप भी ना 3 किलोमीटर चलकर अपने जूते घिसे, हाँ
क्या बचत कर रहे हैं आप, आपका जूता घिस गया ना, अरे मैं आपका बेटा हूं, आपके निकलते ही मैंने बुझा दिया था, लेकिन आज आप कितना नुकसान किए। ये 3 किलोमीटर कम से कम हमारा जूता और चल जाता ना, आप ये 3 किलोमीटर वाला चक्कर व्यर्थ में आप घिस करा। उसने कहा कि मैं भी तेरा बाप हूं, जूते निकालकर जेब में रख कर आया। कई लोग इतने कंजूस होते हैं, पैसा है लेकिन खुद खाएंगे भी नहीं, ऐसे आसक्त होकर के नहीं रहना चाहिए। स्पर्श करो, स्वीकारो, लेकिन आसक्त मत बनो। संसार में कई लोग खुद अपनी आसक्ति के कारण बंधे, न पत्नी किसी को बांधती है, न पुत्र पुत्रियां किसी को बांधते हैं। आदमी बंधता है अपनी आसक्ति के कारण। तब प्रियव्रत महाराज ने भी विवाह किया ब्रह्मा जी के समझाने पर, और उनके वंश में आगे चलकर के स्वयं परमात्मा इनके कुल में पधारे ऋषभदेव के रूप में। एक सन्यासी का धर्म क्या है, एक परमहंस का धर्म क्या है, वो बताने के लिए भगवान खुद ऋषभदेव के रूप में आए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। अब ऋषभदेव भगवान बड़े होकर विवाह भी किए। ये बताना चाहा कि जरूरी नहीं कि अनमैरिड यानी अविवाहित ही सन्यासी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। और समयानुसार ऋषभदेव भगवान के यहां 100 पुत्र भी हुए, और एक दिन उन्होंने सारे पुत्रों को बुलाकर बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश दिया, समझाया है जो हर माता पिता को करना चाहिए। कहा प्रभु ने कि देखो बच्चों, भगवान ने यह शरीर हमको केवल खाने पीने के लिए नहीं दिया है, केवल हंसने और अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं दिया है, इस शरीर का एकमात्र लक्ष्य है मुक्त होना, क्योंकि पशु मोक्ष पर नहीं जा सकता है, अज्ञानी है वो। मनुष्य एक अवसर है, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान है, और ज्ञान के रहते यदि हम मोक्ष पर न जा पाए तो भगवान का यह दिया गया अवसर हमने बेकार कर दिया, एक चांस दिया है प्रभु ने। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान रहते विडभुजां ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्ध्यैद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। बड़ा सुंदर उपदेश दिया और 2 मार्ग बताया, एक स्वर्ग जाने का और एक नरक जाने का। संसार में 2 मार्ग हैं भाई, आपको कहां जाना है ये आपकी च्वाइस है, एक स्वर्ग जाने का, एक नरक जाने का। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।